अफरानोजक आज हम एक पीआरपी का रिव्यू वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मिस्टर विशु गाय हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट दो पीआरपी लिए। अच्छा हेलो विशु जी, आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं कि आपका पहले हेयर फॉल कैसा था? हाँ, अभी पीआरपी लेने के बाद कैसा है? हाँ, पहले बहुत था, अब कम हो गया है। अच्छा, ये आपकी कितनी पीआरपी हुई है? ये थर्ड पीआरपी है मेरा। ये थर्ड पीआरपी, जैसे कि देखिए उन्होंने खुद बोला है, आप देख सकते हैं इनका जो हेयर फॉल था जब ये हमारे पास आए थे बहुत था, अभी थोड़ा इनका जो हेयर फॉल है वो कमा है और ये इनका थर्ड सेशन है। तो पीआरपी, जैसे कि आप लोग को हम लोग बार बार बोलते हैं कि एक पीआरपी से आपको कोई खास डिफरेंस नहीं आता, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ते हैं आपको डिफरेंस खुद को समझ में आता है। तो उनका हेयर फॉल जो है जब पहले ज्यादा था अभी थोड़ा कम हुआ है और ये आज जो है थर्ड पीआरपी है। जैसे इनकी सिटिंग्स बढ़ेगी उनके जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं पीआरपी। सके देख सकते हैं ये हमारा प्लाज्मा रिच प्रोटीन है जिसको सेपरेट किया गया है आपके ब्लड को लेकर। अब इसको हम माइक्रो नीडल के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम? देखिए पेशेंट भी काफी कंफर्टेबल है। जस्ट थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में इसको इंजेक्ट किया जाता है। कि आप लोगों ने देखा पीआरपी की गई है इनकी, आप भी आए और हमारे से पीआरपी करें। ये क्या है, अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो हम इससे पीआरपी लेके हम उसको हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ पीआरपी लेते वक्त? नो, देखिए पेशेंट भी कम्फर्टेबल है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली। थैंक यू।